बद्रीनाथ में पीएम मोदी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। माना गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का किया शिलान्यास। छठी बार केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार का रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचे। नंदी का लिया आशीर्वाद, मंदिर की परिक्रमा की। पीएम की केदारनाथ यात्रा को लेकर उदित राज का आरएसएस पर निशाना। लिखा, धर्मांतरण से चिंतित संघ प्रधानमंत्री किसी और को बनाए, मोदी जी को धार्मिक कुरीति मिटाने में लगाए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उदित राज के बयान को हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाला बताया। कहा, उदित बेतु के बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। गीता के उपदेशों की जिहाद से तुलना वाले बयान से पलटे शिवराज पाटिल। कहा, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को से जो कहा वो जिहाद नहीं, पहले कहा था कि अर्जुन को श्रीकृष्ण ने पढ़ाया था जिहाद का पाठ। अरुणाचल प्रदेश के मिगिंग में क्रैश हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, पायलट की कोई खबर नहीं। घने पहाड़ी इलाके में हादसा, पैदल भेजी गई रेस्क्यू टीम। जेल में ही बनेगी शिवसेना नेता संजय राउत की दिवाली। अब 2 नवंबर को होगी राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई। पात्रा चौल जमीन घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। पटाखा बैन पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, बकरे कटने पर कोई नहीं बोलता। भड़काऊ बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ऐसे बयानों पर तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस खुद संज्ञान लेकर दर्ज करे केस। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को मान सरकार का दिवाली तोहफा। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का ऐलान। डीए बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने दी मंजूरी। कोलकाता में टीईटी छात्रों का विरोध प्रदर्शन। बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस के बाहर छात्रों ने जमकर किया विरोध। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के रोहिणी में बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगी। धू धू कर जल गई पूरी इमारत। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। पुलिस मित्रों ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास का घेराव किया। वेतनमान और स्थायी नौकरी के लिए कर रहे प्रदर्शन। पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत में गूगल पर लगाया गया 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना। एंड्रॉयड मार्केट में वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर रहा था गूगल। 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होने अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। राम की पैड़ी पर दिए लगाने के काम में जुटे छात्र। किसानों ने ठुकराई पराली न जलाने की अपील। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने के 102 मामले सामने आए। यूपी के उन्नाव में 1,25,000 दीयों से जगमगाए गंगा के घाट। गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी स्कूल में बच्चे बने सफाईकर्मी। पढ़ाई के समय झाड़ू लगाते नजर आए छात्र। छतरपुर में भूमाफिया पर प्रशासन की कार्रवाई। सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। आरोपी ने मकान बनाकर किराए पर दे रखे थे घर। यूपी के अमेठी में 2 दिन बाद तालाब में मिला बच्चे का शव। शव मिलने के बाद परिजनों में मचा कोहराम। झारखंड के बोकारो में चास में छापेमारी दल को मिला बड़ा तो उनको कामयाबी मिली है। प्रतिबंध के बावजूद भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। यूपी के कानपुर में चोरी की वारदात बढ़ी। आधी रात को चोरों ने सरकारी टीचर के घर पर धावा बोला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। नोएडा के सेक्टर 78 में एक सोसाइटी में अध्यक्ष पद को लेकर हुई हिंसक झड़प। विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। 2 महिलाओं को आई चोट। पुलिस की हिरासत में 2 गार्ड। दिल्ली के बुराड़ी में इलाज के दौरान 1.5 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम ने करवट ली। बारिश और ओले गिरने के बाद ठंड पड़ी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संसद सदस्यता खत्म। चुनाव आयोग ने किया ऐलान, अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इमरान। इमरान खान की सदस्यता रद्द होने पर हंगामा। ईसी ऑफिस के बाहर पीटीआई का प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की घटना। उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा। तेज रफ्तार ट्रेन तेल के टैंकर से टकराकर पलटी। ट्रेन में लगी आग। आसपास के घर भी चपेट में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर अटैक की तैयारी में पुतिन।